Hello students, this is Dr. Anurag and I welcome you to the present session of Current Affairs Buzz. And as you can see, today is the second session of September 2019 Current Affairs. And this series has been launched. Ye series launch kiya gaya hai, students, to cover all the current affairs from June 2019 till March 2020. Jo bahut important rahega UPSC and other state services examinations ke liye, jo bhi exam 2020 mein hold kiye jayenge. So please keep on following this series. And in every month, current affairs, we are going to cover it in four sessions. Already we have covered the first session of September month current affairs. This is session 2. And in every session, hum topics ko do mein divide kar rahe hain. First, detailed topics jahan se statement based question expected hai. And second, fast factual topics jahan se single liner facts expected hai. तो इस सेशन में भी हम लोग तीन डिटेल टॉपिक्स कवर करेंगे एंड सेकंड 10 फास्ट फैक्ट्स कवर करेंगे जहां से सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. द फर्स्ट डिटेल्ड न्यूज इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ वेरी फेमस प्रोग्राम इन सितंबर 2019 और इस प्रोग्राम का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन. और इसका एम क्या है? इट एम्स टू इंप्रूव एंड एक्सपैंड द रीच ऑफ टीबी केयर. इट एम्स टू इंप्रूव एंड एक्सपैंड द रीच ऑफ टीबी केयर सर्विसेज बाय 2022. तो 2022 तक टीबी केयर की जितनी सर्विसेज हैं उसको एक्सपैंड करना है, इंप्रूव करना है, उसका रीच बढ़ाना है. इन शॉर्ट, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करना है हेल्थ केयर टीबी के फील्ड में. इसके तीन पिलर्स हैं. पहला, क्लिनिकल अप्रोच. इसका साफ मतलब है टेस्टिंग पे बहुत फोकस रहेगा. सेकंड पॉइंट, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. इसका साफ मतलब है लोगों को इन्वॉल्व करके ये प्रोग्राम होल्ड किया जाएगा. एंड थर्ड, पब्लिक हेल्थ एंड अदर एजेंसीज कोऑपरेशन. इसका साफ मतलब है दैट जितने एजेंसीज फील्ड में, स्टेक होल्डर्स फील्ड में, सबके कोऑपरेशन से ये प्रोग्राम अचीव किया जाएगा. तो क्लिनिकल अप्रोच, टेस्टिंग पे बहुत फोकस है. एंड एज यूजुअल भारत सरकार ने इवन जो अभी कोविड-19 जो स्प्रेड किया है डिजीज, द ग्लोबल पैंडेमिक, उसमें भी अब टेस्टिंग भारत सरकार बढ़ा रही है. इन शॉर्ट, टेस्टिंग इज द ओनली सॉल्यूशन अगर हमें स्प्रेड रोकना है किसी भी बीमारी का. तो और टीबी के लिए भी यही एप्लीकेबल है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए. तो इसके साथ में, इस प्रोग्राम के साथ में एक सर्वे भी जारी किया गया, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे. तो ये सर्वे भी होल्ड किया जाएगा इस प्रोग्राम के साथ में. आई रिपीट, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे. तो 625 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं. क्लस्टर अप्रोच है, कंटेनमेंट अप्रोच है. 625 क्लस्टर जहां पे बहुत ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस आए हुए हैं, उन पे उनको विजिट करके चेक करना है और ये सर्वे 2020 तक खत्म करना है. तो एक तरह से ये सर्वे से एक डेटाबेस क्रिएट होगा. डेटाबेस विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे. ये सर्वे 2020 तक खत्म किया जाएगा. 625 क्लस्टर्स जो टीबी के लिए आइडेंटिफाई किए गए, उन्हें वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, मास टेस्टिंग की जाएगी एंड कंटेनमेंट अप्रोच अपनाया जाएगा. एंड दिस डेटाबेस विल एक्ट एज अ पॉलिसी टूल फॉर द गवर्नमेंट इन फ्यूचर. तो टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन से दो सवाल निकल सकते हैं. पहला सवाल है कि ये प्रोग्राम का एम क्या है. सेकंड है कि इसके साथ में क्या कोई सर्वे लॉन्च किया गया. यस, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे एंड किया जाएगा 2020 में. वही ये प्रोग्राम 2022 तक के लिए. एम है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल टीबी केयर सर्विसेज बनानी है पूरे इंडिया में. और मैं यहां बता दूं, इंडिया में टीबी को साइलेंट किलर भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को, बिकॉज इट किल्स मैनी पीपल अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर. इनफैक्ट कहा जाता है कि जितनी कैजुअलिटीज टीबी से होती हैं उतनी किसी और बीमारी से इंडिया में नहीं होती हैं. एंड टीबी में एक नया अभी प्रॉब्लम इमर्ज किया है इंडिया में, दैट इज एमडीआर टीबी,
यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल मेंस में पहले पूछा हुआ है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का मतलब होता है कम से कम 8 से 10 महीने का ट्रीटमेंट होता है। तो इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में, इस ट्रीटमेंट में पहली बात तो दवाएं रहनी चाहिए, सेकंड पॉइंट लोगों के पास पैसे रहने चाहिए, दे शुड हैव मनी टू बाय द ड्रग्स, थर्ड पॉइंट दे शुड बी अवेयर, उन्हें अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमें टीबी की दवा हमें कैसे खानी है और रोज खानी है, और अगर बीच में ये दवा छूट गई तो जो बैक्टीरिया कॉज करता है इस बीमारी को, द बैक्टीरिया विच कॉजेज दिस डिजीज, इट गेट्स टाइम टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस, और फिर वो दवाइयां इस पे काम नहीं करती हैं, और इसी स्टेज को कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो एमडीआर टीबी के भी केसेस राइज कर रहे हैं इंडिया में, इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस इन द कॉमन मासेस, लोगों को ये पता ही नहीं है कि एंटीबायोटिक्स हों या ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां हैं, उनका एक कोर्स फॉलो करना होता है, एक रेजिमेंट फॉलो करना होता है, और टीबी के लिए रेजिमेंट बहुत लंबा होता है, 8 to 10 months का। सेकंड, दवाइयां खत्म हो जाती हैं, सप्लाई रुक जाती है गांव में, और इसीलिए गांव में ज्यादा प्रेवलेंस है एमडीआर टीबी का। एंड थर्ड, लोगों के पास पैसे की भी कमी होती है जिससे वो दवा नहीं खरीद पाते हैं, एंड रिजल्टेंट आधे समय दवा खाकर फिर छोड़ देना एमडीआर टीबी को बढ़ावा देता है। तो एमडीआर टीबी को लेकर अभी इंडिया बहुत वरिड चल रहा है, और यही वजह यूरोपियन यूनियन और यूएस तक ने कह दिया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा है इंडिया को दैट यू हैव टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू स्टॉप एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंस इन द कंट्री, क्योंकि अगर ये स्प्रेड करना शुरू कर देगा तो कोई दवाइयां काम करेंगी ही नहीं कभी भी। तो ये था टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन के ऊपर एक डिस्कशन, यहां से सवाल निकल सकते हैं। टीबी में भी एक शॉर्ट डिस्कशन है, यहां पर लेट्स बिगिन दिस। टीबी ट्यूबरक्लोसिस एज यू कैन सी इट हियर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज है ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में पाया जाता है, और सबसे कॉमन इसका अफेक्टेड जो साइट होता है वो होता है लंग्स, फेफड़े। तो ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है, लंग्स को इंपैक्ट करता है। इट ऑल्सो इंपैक्ट इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, बोन ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इंपैक्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इट्स लंग्स और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एज यू कैन सी इट हियर। एंड इनक्यूबेशन पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय अ बैक्टीरिया और अ वायरस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द इंडिविजुअल। तो जिस तारीख को इंफेक्शन पकड़ा और उसके बाद जिस तारीख को लक्षण आने शुरू हुए, सिम्टम्स, उस दौरान के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, एंड इट इज वेरी लॉन्ग इन ट्यूबरक्लोसिस एज यू कैन सी इट हियर। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन होता है जहां पे ओवर क्राउडिंग होती है, जहां मैल न्यूट्रिशन होता है, जहां पॉवर्टी होती है, जहां ड्रग एडिक्शन होता है, जहां एल्कोहलिज्म होता है, एंड जब एड्स का इंफेक्शन रहता है तो इम्यून सिस्टम ब्रेक होने के कारण टीबी अटैक्स द इंडिविजुअल। मैं यहां पे एक पॉइंट और बता दूं, टीबी अटैक्स इन मैक्सिमम केसेस टीबी अटैक्स द इंडिविजुअल्स हैविंग कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। तो जिसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कमजोर है उसको पहले टीबी अटैक करेगा। और आप देख सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, और ये स्प्रेड कैसे होता है, कफिंग से स्प्रेड होता है और ड्रॉपलेट इंफेक्शन से स्प्रेड होता है। जब भी वो इंसान जिसको ट्यूबरक्लोसिस है वो खांसता है, छींकता है, तो उसकी खांसी या छींक यानी स्नीजिंग एंड कफिंग से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो स्प्रेड करते हैं, वो स्प्रेड करते हैं इंफेक्शन को दूसरे लोगों में। इसके साइंस एंड सिम्टम्स आप देख सकते हैं, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना और हमेशा टायर्ड फील करना, हमेशा थका हुआ फील करना, लॉस ऑफ वेट एक्सपीरियंस करना, एनीमिया, खून की कमी होना, एंड मैक्सिमम केसेस में देखा गया इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स।
एंड ऑल्सो कफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर स्पूटम या कफ में ब्लड बाहर आए, खांसी में ब्लड बाहर आए, खून बाहर आए, तो ये शक होता है दैट ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है. एंड इन्वेस्टिगेशंस में देखिए, सबसे पहले स्पूटम की जांच की जाती है एंड चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, और एक टेस्ट है मॉन्टक्स टेस्ट. तो मॉन्टक्स टेस्ट कौन सी बीमारी में होता है? ट्यूबरक्लोसिस, ये याद कर लीजिएगा. एंड भारत सरकार ने पहले भी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था और अच्छे खासे केसेस में कमी आई, लेकिन अभी भी टीबी के केसेस बढ़े हुए हैं इंडिया में. इनफैक्ट वर्ल्ड के 40% टीबी के केसेस इंडिया में ही पाए जाते हैं. और इसके अलावा बच्चों में तुरंत जन्म के बाद आफ्टर बर्थ बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर टीबी, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन वैक्सीन. बीसीजी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा. सो आई रिपीट अगेन, ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करने वाली बीमारी, और इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये बहुत ज्यादा उन लोगों में होती है जहां पे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. और इसमें सबसे अहम बात दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द राइज ऑफ माइल्ड टेम्परेचर्स इन द इवनिंग. तो शाम के समय थोड़ा बुखार आना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉन्टेक्स टेस्ट, इसके लिए टेस्टिंग की जाती है, और इसके अलावा स्पूटम की जांच भी होती है. और इसको रोकने के लिए आफ्टर बर्थ बीसीजी वैक्सीन इज गिवन. बीसीजी वैक्सीन अभी न्यूज में चल रहा है कोविड-19 के को लेकर भी, वो भी न्यूज देख लीजिएगा. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है वेरियस एग्जाम्स में. सो बी प्रिपेयर्ड ओवर दिस पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीआर टीवी के लिए. एमडीआर टीवी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस. तो किसी भी बीमारी के लिए, फॉर एनी डिजीज, एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मींस सबसे पहले सबसे कम पावर की दवाइयां दी जाती हैं, और जो सबसे कम साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयां रहती हैं वो दी जाती हैं पेशेंट्स को. सो द मेडिसिन हैविंग लेसर साइड इफेक्ट्स एंड द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आर गिवन हैविंग लेस नेगेटिव इंपैक्ट्स अपॉन द ह्यूमन बॉडी. और इन दवाइयों को, मेडिसिन को, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है. लेकिन अगर इससे ठीक नहीं होती बीमारी, देन सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो होता है, और उसके बाद थर्ड लाइन एंड एपेक्स लाइन. ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एंड पेशेंट के इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर. तो यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो टीबी में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द मेजर ड्रग्स ऑफ आइसोनियाजाइड, आप देख सकते हैं यहां पे. सेकंड रिफैम्पिसिन, आप देख सकते हैं. थर्ड इथाम्ब्यूटॉल, एंड फोर्थ पाइरिजिनामाइड. तो इन शॉर्ट आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पाइरिजिनामाइड, ये RIPE राइप नाम से, राइप एक्रोनिम से आप समझ लीजिएगा इसको. तो ट्राई टू मेमोराइज इट. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी. लेकिन अगर इन दवाओं से ठीक नहीं हो रहा इंडिविजुअल, और फिर टेस्टिंग होती है इंडिविजुअल की दैट क्यों नहीं ठीक हो रहा इन दवाओं से, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो देखा जाता है दैट उसको उसके अंदर जो विच इज कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, इट इज हैविंग रेजिस्टेंस टू दीज ड्रग्स. रेजिस्टेंस मीन्स वो अडेप्ट कर चुका है इन दवाओं को लेकर. एंड ऐसे केस में उस इंडिविजुअल को जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है MDR-TB. इन शॉर्ट MDR-TB इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, इन विच द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज राइप ड्रग्स. राइप मीन्स रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पाइरिजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. डोंट एक्ट अपॉन द बैक्टीरिया. In short, bacteria has adapted against these drugs. And in such cases, we need a second line of treatment or the third line of treatment. So MDR-TB is very, very important. So I hope you got a complete know-how of MDR-TB, Montex test, and saath mein Bacillus Calmette-Guerin vaccine, aur saath mein TB Harega Desh Jeetega campaign, and National TB Prevalence Survey. I am expecting statement-based question over tuberculosis and the program. That is TB Harega, Desh Jeetega campaign.
तो ये पहला न्यूज इंपॉर्टेंट. सेकेंड न्यूज जो आया था सितंबर 2019 में, इट वॉज ऑल अबाउट रैनिटिडीन टैबलेट्स. और रैनिटिडीन टैबलेट्स पे यूएस का फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बैन इंपोज कर दिया. यूएस एफडीए इंपोज अ बैन ऑन रैनिटिडीन टैबलेट्स. लेट्स सी व्हाट इज रैनिटिडीन. रैनिटिडीन इज अ ड्रग व्हिच इज गिवन, इट्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन. ये बहुत कॉमन दवाई है, गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स इन स्टमक एंड इन इंटेस्टाइन. तो अल्सर या एसिडिटी, तो अल्सर्स या एसिडिटी हो रही है पेट में और आंत में, दोनों केसेस में रैनिटिडीन ड्रग्स दिए जाते हैं. और इनका बहुत इजी ब्रांड नेम है, इसको एसिलॉक या जिनटेक या रैनटेक नाम से सेल होता है ये ब्रांड के नाम से इंडिया में. एंड दीज ड्रग्स बिलोंग टू हिस्टामाइन ब्लॉकर ग्रुप ऑफ ड्रग्स. हिस्टामाइन ब्लॉकर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो ये भी मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से ये स्टेटमेंट आ सकता है, रैनिटिडीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बिलोंग टू हिस्टामाइन ब्लॉकर ग्रुप ऑफ ड्रग्स. यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो इन दवाओं से पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी खत्म करने में बहुत आसानी होती है. इन दवाओं के अलावा बहुत सारे दूसरे तरीके भी अपनाए जाते हैं एसिडिटी कम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग्स हैं, जिनका नाम फॉर एग्जाम्पल ओमेप्राजोल या रेबेप्राजोल या पेंटोप्राजोल. आपने ये भी सुना होगा, ओमेज, पेंटोप, रेबलेट, ये भी ड्रग्स दिए जाते हैं. और इनफैक्ट बाहर के देशों में ये ड्रग्स बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में अभी भी रैनिटिडीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन है. एंड रैनिटिडीन अल्टीमेटली इट रिलीव्स अस फ्रॉम इनडाइजेशन. पेट की कोई भी बीमारी जिसमें एसिडिटी हो रही है, अल्सर्स, घाव हो रहे हैं, उसको ठीक करने में रैनिटिडीन ड्रग सबसे सस्ती दवाएं हैं, सबसे सस्ती दवाइयां हैं. इट्स द चीपेस्ट मेडिकेशन अवेलेबल एंड इट वॉज सेफ. इसको सेफ माना जाता बिकॉज ऑफ लेस साइड इफेक्ट्स. बट यूएस एफडीए ने बैन लगाया सितंबर 2019 में, और यूएस एफडीए का क्या नाम था, इसमें कैंसर कॉजिंग एलिमेंट पाया गया है. एंड द कैंसर कॉजिंग ड्रग जो पाया गया, इट्स एनडीएमए. सो डाइमिथाइल अमाइन, एनडीएमए शॉर्ट में. ये एक पोटेंशियल कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, और इसके ट्रेसेस पाए गए हैं रैनिटिडीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स में. तो तुरंत जैसे ही बैन लगाया गया, दूसरे देशों में भी हड़कंप मच गया, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड इवन इंडिया में भी रैनिटिडीन ड्रग्स के ऊपर तुरंत बैन इंपोज किया गया. एंड द एपेक्स अथॉरिटी इन इंडिया वेंट फॉर टेस्टिंग ऑफ द ड्रग. ये टेस्ट करके ही अब मार्केट में रिलीज किया जाएगा ड्रग. तो ये एपेक्स अथॉरिटी कौन है और ये एपेक्स एजेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. सो एपेक्स एजेंसी का नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. आई रिपीट, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में एक ऑफिस है, और इसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. तो इनफैक्ट जब ये न्यूज आया तो इंडिया में रोक लगाने वाली कौन सी एजेंसी थी, इट वॉज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI. एंड दिस इज अ डिपार्टमेंट अंडर CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. अब रैनिटिडीन में एनडीएमए है, कार्सिनोजन है, ये तो न्यूज बहुत कॉमन है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट इज फंक्शंस ऑफ CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और फंक्शंस ऑफ DCGI. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं CDSCO के फंक्शंस
आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इस बार प्रीलिम्स में. सो फर्स्ट फंक्शन अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ CDSCO. सेकंड गिविंग ऑफ लाइसेंसेज एंड गिविंग ऑफ इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन. सो इंपोर्ट्स भी करने हैं लाइसेंसेज भी चाहिए दोनों के लिए यही एपेक्स एजेंसी है. थर्ड लाइसेंस अप्रूवल्स ऑफ ब्लड बैंक्स वैक्सीन्स मेडिकल डिवाइसेस ऑल आउट हियर. तो लाइसेंस की एपेक्स अथॉरिटी यही है. फोर्थ अमेंडमेंट्स टू एन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स. तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एपेक्स एक्ट है जिसके तहत आज भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस इसी के तहत गवर्न होते हैं. फोर्थ बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स और इसी के तहत बैन लगाया गया रेनिटिडीन के ऊपर इन द मंथ ऑफ सितंबर. नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाई CDSCO एंड ग्रांटिंग ऑफ टेस्ट लाइसेंसेस और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स इज ऑल्सो ग्रांटेड बाई CDSCO. ऑल्सो मार्केट सर्विलांस इज डन थ्रू इंस्पेक्टरेट ऑफ सेंटर. तो मार्केट सर्विलांस भी देखती है ये चेक करता है दैट मार्केट में जो प्रेवलेंस चल रहा है मेडिसिन का क्या वो सही क्वालिटी का है या नहीं है. और इसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है विभाग है दिस डिपार्टमेंट द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया. तो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के फाइन मेटिक्यूलस जो रूल्स हैं ये ले डाउन करने वाली एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ अपीलिंग बॉडी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स इन क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी ड्रग. तो एक क्वालिटी के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स रखना जरूरी है और इसके लिए DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है. और इसके अलावा टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन एनफोर्समेंट ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. एंड लास्टली एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स रिसीव्ड एज सर्वे सैंपल्स फ्रॉम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इन शॉर्ट CDSCO अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिस DCGI. तो आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम CDSCO और इट कैन बी डिफरेंसेस बिटवीन CD functions of CDSCO versus DCGI. So go through this and यहाँ पे एक बस पॉइंट याद रखिए रेनिटिडीन ड्रग्स में NDMA पाया जाता है. नेक्स्ट मूविंग एट जो न्यूज सितंबर 2019 में इंपॉर्टेंट था आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर श्योर अ क्वेश्चन ओवर दिस टॉपिक. इट्स ग्लोबल कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स और इस पर न्यूज आया नाइजीरिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू ज्वाइन दिस ग्रुप फोर्थ कंट्री ऑफ अफ्रीका टू ज्वाइन दिस ग्रुप. तो इसके पहले अफ्रीका के कौन कौन से देश इसमें मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंट है ये मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका से एथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका से एंड बुरुंडी सेंट्रल अफ्रीका से एंड नाइजीरिया नाउ ज्वाइंस इट्स द फोर्थ कंट्री इट इज इन वेस्ट अफ्रीका. इसके पहले ऑलरेडी 28 कंट्रीज हैव ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन 17 आर फ्रॉम यूरोप एंड 5 आर फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड नाउ 4 आर फ्रॉम अफ्रीका. तो यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं. आई रिपीट ग्लोबल कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स और ये कोएलिशन कब बनाया गया इट्स इंपॉर्टेंट द 13th समिट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2016. तो 13th समिट ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 2016 में होल्ड किया गया था मैक्सिको में. ये सुनते जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड दिस कोएलिशन वॉज इनिशिएटेड बाई नीदरलैंड्स द डच यूरोपियन नेशन हॉलैंड उसने इनिशिएट किया इस ग्रुप को बनाने के लिए. और पॉलिनेटर्स या पॉलिनेशन ये वर्ड डिराइव हुआ है पॉलिनेशन वर्ड से. पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम
From anther, anther is the male part of the flower, to stigma. Stigma is the female part of the flower. तो anther से stigma, एक फूल से दूसरे फूल में pollen grains का transfer, और इसी से fertilization होता है flowers में. और इसमें pollination में बहुत crucial role होता है insects का, butterflies का और mammals का भी, और even honey bee का. And you can see butterfly का role यहाँ पे. They come here to suck the nectar from flowers and यहाँ से pollen grains attach हो जाती हैं और butterflies में, and they are taken by the butterflies to another flower, जहाँ पे female part stigma में ये pollen grains चले जाते हैं. Not only butterflies, birds, bats, moth, wasp, bees, honeybee, mammals, and also wind plays a role in transferring this pollen. I repeat, birds, bats, moth, wasp, bees, in short insects ki baat chal rahi hai, and mammals apart from this wind. तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में. और आपने ध्यान दिया होगा ये सारे जो बर्ड्स और बैट्स और इंसेक्ट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, दे आर नाउ बिकमिंग एंडेंजर्ड इन द एनवायरनमेंट. इनकी संख्या कम हो रही है, और जब संख्या कम होगी तो पॉलिनेशन पे असर पड़ेगा. एंड अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ इसी को लेकर. द रिपोर्ट वॉज टर्म्ड एज IPBES. आई रिपीट IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म. आई रिपीट, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ये पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर, और ये इकोसिस्टम सर्विसेज में एक बड़ा सर्विस है पॉलिनेशन. और इस रिपोर्ट के हिसाब से एक डेटा आया था, 16% ऑफ वर्टिब्रेट पॉलिनेटर्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. तो वर्टिब्रेट पॉलिनेटर्स में 16% एक्सटिंक्शन को स्टेयर कर रहे हैं, खत्म होने वाले हैं. और आइलैंड्स में, द्वीप में 30% पॉलिनेटर्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. अगर ये हो गया तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा. इन शॉर्ट, हमारा पूरा इकोसिस्टम एंडेंजर हो जाएगा. और मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दे दूँ, 75% ऑफ फूड क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेशन. तो 75% फूड क्रॉप्स जो हम लोग ग्रेन्स खा रहे हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के ऊपर, और यही वजह है एनिमल पॉलिनेशन के ऊपर, और यही वजह है दैट फूड सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी एंडेंजर्ड. तो ग्लोबल कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स 2016 में बनाया गया ग्रुप, 28 देशों का ग्रुप, 17 यूरोप से हैं, 5 लैटिन अमेरिका से, 4 अफ्रीका से, और ये 4 में रीसेंट जो कंट्री ऐड हुई है वो है नाइजीरिया. मैक्सिको के समिट में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के समिट में मैक्सिको में नीदरलैंड्स ने ये इनिशिएट किया था. और पॉलिनेशन में जो मेजर एक्टर्स हैं, दे आर बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल मॉथ, वैस्प, बीज, मैमल्स ऑल्सो, एंड विंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस. So I am expecting a statement based question from this topic. For sure, sure short question is expected from this topic. और मैं बता भी दूं एक सवाल कहां से आने वाला है. सवाल पॉलिनेशन के ऊपर आने वाला है, बैकग्राउंड से आने वाला है. पॉलिनेशन में मेजर एक्टर्स कौन कौन है, यहां सवाल निकल सकता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज सितंबर 2019 का. मूव करते हैं फास्ट फैक्ट्स के ऊपर. तो सबसे पहला फास्ट फैक्ट आया था, सैंडबॉक्स पॉलिसी आरबीआई ने रिलीज किया फिनटेक कंपनीज के लिए. तो सैंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पॉलिसी क्या होता है, इस पे सिंगल एंसर क्वेश्चन आ सकता है. तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पॉलिसीज अलाउज द कंपनीज टू टेस्ट प्रोडक्ट्स इन अ क्लोज एनवायरनमेंट. तो ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. इट अलाउज द कंपनीज टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स इन क्लोज एनवायरनमेंट बिफोर रिलीजिंग इट कमर्शियली. एक तरह से टेस्टिंग फेज इनिशिएट किया गया है, एक तरह से टेस्टिंग पॉसिबल हो पाएगी इस पॉलिसी के बाद. किस फील्ड में, फिनटेक कंपनीज के फील्ड में, बिफोर रिलीजिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द फील्ड. और ये फिनटेक कंपनीज कौन है, इट रेफर्स टू टेक स्टार्टअप्स.
दैट आर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम. तो ये फाइनेंशियल टेक स्टार्टअप्स हैं, ट्रेडिशनल जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, और इनोवेशन लाने के लिए ही, इनोवेशन प्रमोट करने के लिए सैंडबॉक्स पॉलिसी रिलीज की गई है, सो दैट दे मे हैव रेगुलेटरी सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई. तो रेगुलेटरी सपोर्ट आरबीआई की तरफ से मिल जाएगा फिनटेक कंपनीज को. तो यहां से सिंगल लाइनर क्वेश्चन, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पॉलिसी कौन से फील्ड से रिलेटेड है? अभी रिलीज किया गया, इट इज फिनटेक कंपनीज, गिविंग देम अ रेगुलेटरी सपोर्ट टू प्रमोट इनोवेशन एंड allowing them testing in a closed environment before releasing the products commercially. Next, second news important, BIS certification Pashmina ke liye. To Bureau of Indian Standards, yahan se bhi sawal nikal sakta hai, iske upar dekh lijiyega iska role kya hai. BIS, Bureau of Indian Standards body ka role kya hai. To abhi news aaya tha, it has recently published Indian Standards for Identification and labeling of Pashmina products. The Pashmina products mein purity, iske saath hi standards ke aane ke saath hi purity aa jayegi Pashmina products mein, aur ek tarah se labeling ho sakega products ka, commercialize ho gaya hai, commercialize karke market mein jab ye products aayenge to forgery bahut prevent ho jayegi is field mein. Pashmina main bata dun, Pashmina goat se derived ek wool hai. पाश्मीना गोट, इसका एक और नाम है चांग थांगी गोट. ये गोट या बकरी लद्दाख में पाई जाती है, वहाँ की स्पेशल एंडेमिक इंडिजनस ब्रीड है, और ये ऊंचाइयों पाई जाती है, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स लद्दाख, और लगभग लद्दाख में ये एक एंड लद्दाख में ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, तो वहां के लोकल्स इन्वॉल्व हैं. तो पाश्मीना प्रोडक्ट्स का लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का रोल, और पाश्मीना गोट कहां पाई जाती है? हाई अल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख. तो यहां से भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है. थर्ड, एम्बिस, एम्बिस न्यूज में था, फुल फॉर्म ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. तो ये पहले तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड मल्टीपल मोड्स, मल्टी मॉडल का मतलब है बायोमेट्रिक. तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मल्टीपल तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये महाराष्ट्र के स्टेट ने, महाराष्ट्र स्टेट ने पहला स्टेट है महाराष्ट्र जिसने ऐड किया है पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के लिए इस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का, और ये रिप्लेस करेगा AFIAS सिस्टम को. AFIAS इंक्लूडेड, AFIS meant automated fingerprint identification system. Automated fingerprint identification system. तो AFIS में केवल fingerprint match करने का concept था, limited use, limited उसके applications. लेकिन AMBIS में automated multiple model में, अब देखते हैं यहां multiple model का मतलब क्या है, match करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा. सबसे पहले आयरिस स्कैनर है यहां पे, सबसे पहले आयरिस स्कैनर है इसमें. सेकंड, फिंगरप्रिंट स्कैनर है. थर्ड, पाम स्कैनर है. एंड फोर्थ, कैमरा है, और कैमरा के कारण यहां पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो न्यूज में चल रही है उसको यहां पे इंटीग्रेट किया गया है. आई रिपीट, आयरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, पाम स्कैनर एंड कैमरा फॉर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. तो एम्बिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें चार मोड्स, आयरिस, फिंगरप्रिंट, पाम एंड फेस रिकॉग्निशन, ये मेमोराइज कर लीजिएगा. एंड महाराष्ट्र पहला स्टेट इसको इंटीग्रेट करने वाला. नेक्स्ट न्यूज, कनाइन डिस्टेंपर वायरस, रणथंबोर पार्क. तो ये न्यूज सितंबर 2019 में एमर्ज किया, टाइगर्स को ये बीमारी लग गई रणथंबोर पार्क में. इसके पहले भी 2018 में गिर फॉरेस्ट में लायंस पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस, उन्हें भी ये बीमारी लगी थी. ये कंटेजियस है और सीरियस बीमारी है ये, इट इज कंटेजियस, इट स्प्रेड्स, कंटेजियस स्प्रेड्स एंड इट इज वेरी सीरियस डिजीज. इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डॉग्स टू टाइगर एंड लेपर्ड.
तो जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जो जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं उनसे ये बीमारी स्प्रेड करती है टाइगर्स में, लेपर्ड में और लायन में। और 2018 में बहुत सारे गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस की डेथ हुई थी इसी के कारण। तो ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है टाइगर्स को रणथंबोर पार्क राजस्थान में, एंड ये इसीलिए न्यूज में था। तो कनाइन डिस्टेंपर वायरस इंपॉर्टेंट कहां पे इंपैक्ट किया है? रणथंबोर पार्क टाइगर्स एंड गिर नेशनल पार्क लायंस। नेक्स्ट, रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी, और सुबानसिरी तिब्बत से राइज करती है और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र मैं बता दूं, इट एंटर्स इंडिया एज रिवर दिहांग। इसके पहले इसी का नाम सांगपो रहता है तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक के पास से ग्लेशियर से राइज करती है ट्रांस हिमालयन बेल्ट से, एंड इज नोन एज सांगपो या यारलुंग जांगपो इन तिब्बत। इट एंटर्स इंडिया एंड इज नोन एज दिहांग, और जैसे ही इट एंटर्स द प्लेन्स इट इज नोन एज रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ये प्लेन्स में एंटर करती है, एक जगह है नाम है सादिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादिया से लेक, सादिया से आगे इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी। तो सुबानसिरी तिब्बत से राइज करती है खुद भी, यानी सुबानसिरी रिवर आल्सो कम्स फ्रॉम तिब्बत, फ्रॉम वेयर रिवर ब्रह्मपुत्र कम्स। और सुबानसिरी के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, द प्लेस वॉज गेरुखामुख, एंड गेरुखामुख इज ऑन असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। और लोकल्स के वहां पे प्रोटेस्ट के कारण ये डैम का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सुबानसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है एंड गेरुखामुख न्यूज में क्यों था। नेक्स्ट, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आगे चलते हैं। पोबीतोरा सेंचुरी, मिनी काजीरंगा कहते हैं इसको, ये भी असम में लोकेटेड है। इट वॉज इन न्यूज इन सेप्टेंबर 2019। और इसको मिनी काजीरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि काजीरंगा के बाद जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो का, वो पोबीतोरा में ही पाया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो इज फाउंड बोथ इन काजीरंगा एंड पोबीतोरा। पोबीतोरा सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा। एंड ये न्यूज में था क्योंकि दो फ्रेश वाटर टर्टल्स, एक है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, आप देख सकते हैं ब्लैक सॉफ्ट शेल, और एक है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, इनको रिलीज किया गया आफ्टर ब्रीडिंग, एंड दे वर रिलीज्ड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर आफ्टर ब्रीडिंग। मैं बता दूं, असम इज द रिचेस्ट स्टेट इन टर्टल स्पीसीज, जहां पे 20 स्पीसीज ऑफ टर्टल्स फ्रेश वाटर पाए जाते हैं आउट ऑफ 29 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। तो जो टर्टल स्पीसीज है 29 टाइप्स के इंडिया में पाए जाते हैं, उसमें 20 स्पीसीज आर फाउंड इन असम, रिचेस्ट स्टेट इन टर्टल डाइवर्सिटी। और उसमें दो रेयर टर्टल्स हैं, ब्लैक सॉफ्ट शेल एंड इंडियन सॉफ्ट शेल। इनफैक्ट ब्लैक सॉफ्ट शेल इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है, ये जानने के लिए आपको IUCN का लेबल देखना पड़ेगा। IUCN के लेबल में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मीन्स ये नेचुरल हैबिटेट में कहीं नहीं पाया जाता है, इट इज ओनली लिविंग इन ह्यूमन मेड हैबिटेट्स, फॉर एग्जाम्पल जू, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स। तो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल एंड इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल रिलीज आफ्टर ब्रीडिंग बाई पोबीतोरा सेंचुरी। इसमें ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल याद कर लीजिएगा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नेक्स्ट, उम्मीद इनिशिएटिव। उम्मीद का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। नाम से समझ में आ रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ में लॉन्च किया गया एक और इनिशिएटिव निदान। निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेस एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र। सो नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, सेंटर्स जहां ट्रीटमेंट होगा नेश इनहेरिटेड डिजीजेस का। और इसका एम क्या है? पहला पॉइंट, अवेयरनेस क्रिएट करना है डॉक्टर्स के बीच में अबाउट द इनहेरिटेड डिजीजेस, ताकि पहचान इजीली हो सके। तो पहला पॉइंट अवेयरनेस, एंड सेकेंड पॉइंट R&D एस्टैब्लिश करना है हॉस्पिटल्स में।
मैं बता दूं यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का राइज हो रहा है एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी मैक्सिमम केसेस राइज कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के, हेमोफीलिया। तो ये सारी जेनेटिक बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। और इंडिया में अभी तक बहुत R&D कम था, तो निदान केंद्र ओपन किए गए हैं और उम्मीद इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन कैन कम विद विच फील्ड इज उम्मीद इनिशिएटिव रिलेटेड, इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट, शोंडोल डांस लद्दाख का है, ये भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी एंटर किया, ऑल बिकॉज 408 पार्टिसिपेंट्स ऑल वुमेन आर्टिस्ट परफॉर्म्ड द शोंडोल डांस। It was the example of largest Ladakhi dance ever performed. And that's why it found its way into Guinness Book of World Records. और ये शोंडोल डांस परफॉर्म कहाँ किया गया? It was performed at Hemis Monastery, Ladakh. And वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, नरोपा फेस्टिवल। नरोपा फेस्टिवल, आई रिपीट, हेमिस मोनेस्ट्री में नरोपा फेस्टिवल, और वहां पे शोंडोल डांस, 408 वुमेन आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड, इट फाउंड इट्स वे इनटू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। शोंडोल डांस, लेट मी टेल यू, वाज यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय आर्टिस्ट फॉर द किंग ऑफ लद्दाख इन द एंशिएंट टाइम्स। तो यहां से सिंगल लाइनर क्वेश्चन कैन कम इन यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, चिलहटी एक जगह है बांग्लादेश में और ये न्यूज में था। ये चिलहटी जो रेलवे लिंक है 1965 तक ऑपरेट किया था इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और अगर ये इस पे फिर से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, इट वाज स्टॉप्ड आफ्टर इंडिया पाक वॉर इन 1965। 7.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, और वंस स्टार्टेड इट विल कनेक्ट वेस्ट बंगाल विद असम वाया बांग्लादेश। इसका साफ मतलब वेस्ट बंगाल से असम जाने के लिए अब लॉन्ग रूट नहीं लेना पड़ेगा, अ शॉर्टर रूट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एंटरिंग बांग्लादेश एंड देन एंटरिंग असम। दिस शोज द हाइट्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो यहां से सवाल निकल सकता है, चिलहटी कौन से देश में है, न्यूज में क्यों था? इट इज बांग्लादेश, रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बकवीट शिलोंग में ऑर्गेनाइज किया गया इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर 2019। बकवीट एक स्पेशल टाइप ऑफ वीट का वैरायटी है, लो इनपुट क्रॉप है, एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स, इट्स लो इनपुट क्रॉप, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स कैरी ऑन पॉलिनेशन, और इट गिव्स हायर यील्ड, टेकिंग अप लोअर इनपुट्स इट गिव्स हायर यील्ड्स, एंड दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो जो फ्लोर है, इसका जो आटा है, इट कैन बी यूज्ड बोथ एज फूड एज वेल एज इन मेडिसिन। मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इट स्ट्रेंथन्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बकवीट का सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया शिलोंग में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी में, एंड इट वॉज जस्ट टू ensure that our food basket is diversified. It was just to create awareness that we should have a wider food basket, wider food plate. And also, it extracts phosphorus better than the other crops from the soil. और अगर phosphorus extract करेगा ये buckwheat, तो इससे nutrients में भी फायदा होगा, तो इससे nutrients और food और medicine में भी फायदा होगा, and sides में phosphorus will not go into the water bodies creating eutrophication. So buckwheat, low input crop, attracts insects, higher yields, can be used as food and medicine. Medicine, it strengthens blood vessels. That was it about the buckwheat symposium held in Shillong. So I suppose you got the most important news in second session of September current affairs. We end the topic with expected question. First, mini Kaziranga facts. It's Pobitora Sanctuary, and it was in news all because of two species of turtles, black soft shell and Indian soft shell.
black soft-shelled turtle is extinct in the wild. Second, drugs used in first line of TB treatment. I put up the acronym RIPE. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol. Dekh lijiyega. Next, carcinogen found in ranitidine, NDMA. Maine bataya. Next, Shondol dance facts. To Hemis Monastery, Ladakh mein organize kiya gaya. Naropa festival mein, September mein. And Guinness Book of World Records mein ye chala gaya. Dance. Next, Umid initiative, full form. It is the initiative over inherited disorders. Aur Nidan Kendr open kiya gaya saath mein. Next, Pashmina goats, Ladakh mein paai jati hai. Chang Thangi goats bhi naam hai inka. Inka wool istamal kiya jata hai. Bahut best quality wool hota hai. Next, global coalition of the willing on pollinators. Maine bataya CBD ke COP summit 2016 mein ye initiate kiya Netherlands mein, ne Mexico mein ye summit hua tha. Aur maine bataya pollinators mein kaun kaun se insects aate hain, dekh lijiyega. Next, Chilhati place kahan pe? It's Bangladesh. That was all that is important in this session of current affairs. I hope the session was comprehensive, and please subscribe to our channel to get the latest updates on various UPSC topics. Thanks a lot. That ends the session. Thanks a lot.